हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, देखेंगे डिवाइन यूनिवर्स भोले बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपको इस समय क्या जानने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु जी। सबसे पहले तो भोले बाबा आपको ये बोल रहे हैं एक्वेरियस कि अपने मन को शांत करो, अपने मन को जितना आप पीस में लेकर के जाओगे उतना अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस ले पाओगे। इस वक्त आपको वो शांत होने को बोल रहे हैं। आप ओम की चैंटिंग कर सकते हो, ओम की चैंटिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए थोड़ी देर। अगर कुछ नहीं करना चाहते हो, चैंटिंग नहीं करना चाहते, मेडिटेट नहीं करना चाहते, थोड़ी देर एक पवित्र स्थान पर बैठ जाइए, जहाँ आपका आपने घर में टेंपल क्रिएट कर रखा हो, अपना सेक्रेट स्पेस क्रिएट कर रखा हो, वहाँ पे आइज क्लोज करके थोड़ी देर बैठ जाइए। मैं यहाँ पे आपको कुछ चैंटिंग की बात ही नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। आइज क्लोज करके बैठ जाइए, जस्ट देखिए आपको बहुत अच्छा फील होगा। दिमाग में कुछ चलने मत दीजिए, कोई चीज़ें कुछ थॉट्स आते भी हैं ना, तो आकर के उन्हें निकल जाने दीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। आइज क्लोज कीजिए, थर्ड आई पर फोकस कीजिए हल्के हल्के, बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए। सबसे पहले तो यही मैसेज है भोले बाबा की तरफ से। थैंक यू भोले बाबा। इस समय जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको इस समय क्या जानने की ज़रूरत है प्लीज़ बताइए। एक्वेरियस कुंभ राशि, वाओ, बहुत ही काम एनर्जीज है आपके लिए। फाइव ऑफ कप्स, स्टार, ओके, ठीक है जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हाँ जी बिल्कुल, ओके। सन, ओ माय गॉड, सन एंड स्टार, लवर्स, फोर मेजर अर्कानास, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके माई डियर, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड। देखिए स्ट्रेंथ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। माई डियर एक्वेरियस, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप ही का कार्ड आया है, स्टार का कार्ड है, जो कि एक्वेरियस कुंभ राशि का ही कार्ड होता है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो अपनी कीमत को पहचानो एक्वेरियस, आपको इस समय सिर्फ यही सुनने की ज़रूरत है, आप कितने कीमती हो डिवाइन के लिए। आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आप कोई आम नहीं हो, आप एक डिवाइन के बहुत ही प्यारे बच्चे हो, उनके बहुत ही क्लोज्ड हो, आप उनके इतने क्लोज्ड हो कि अगर जब भी आप दिल से दुआ मांगते हो ना, चाहे अपने लिए चाहे किसी के लिए, वो ज़रूर पूरी होती है, राइट। तो आपने जो भी विशेष मांगी है ना, चाहे अपने लिए चाहे किसी के लिए, वो फुलफिल फॉर श्योर होंगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी कीमत को पहचानो, अपने ऊपर डाउट्स कभी मत लेकर आओ, और जिन भी तकलीफ़ों में आप हो, जिन भी कठिनाइयों को आप इस वक्त देख रहे हो, झेल रहे हो, जिन भी ऑब्स्टेकल्स को आप अपनी लाइफ में देख रहे हो ना, आपको बोला जा रहा है, जो मैंने सबसे पहले आपको मैसेज दिया था
कि एक काम एनर्जीज में आने के लिए आपको बोला जा रहा है, पीसफुल एनर्जीज में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर बैलेंस का ही कार्ड है, आप देख रहे हैं, ये भी मुझे बैलेंस को ही बता रहा है आपके लिए। और इसके साथ ही साथ व्हील जो है, ये लड़की जो है कितने बैलेंस्ड वे में इस व्हील के ऊपर, इस चक्र के ऊपर खड़ी हुई है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है जहाँ आप अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कर लोगे, आपकी फिजिकल रियलिटी में, 3D वर्ल्ड में जहाँ आप जी रहे हो, वहाँ पर भी बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है ना कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुई हैं सिचुएशंस, आप उनका बोझ लेकर के चलते आ रहे हो, आप उन्हें डिलीट नहीं कर रहे, रिमूव नहीं कर रहे, रिलीज नहीं कर रहे, लेट गो नहीं कर रहे हो, उनको उठा करके अपने साथ लेकर के बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। चाहे किसी ने आपको कुछ हर्ट करा, चाहे किसी ने आपको कोई चीट करा, कोई फेलियर्स रहे हैं आपके पास्ट में, उन्हीं फियर्स को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, उन बोझ को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, कोई अपना आपसे छूट गया पीछे या खो गया पीछे, या फिर कोई ऐसे पर्सन जिनसे आप बहुत ही कनेक्टेड थे, वो आपको वो अब इस दुनिया में नहीं रहे या वो छोड़ के आपको चले गए हैं, तो उस चीज़ का, उस वो लॉस से ना आप अभी उभर ही नहीं पा रहे हो पूरी तरीके से। आप बढ़ रहे हो आगे, चल रहे हो आगे, लेकिन उस बोझ तले आप चल रहे हो, उस बोझ को ले लेकर आप बढ़ रहे हो। सारा फोकस कहाँ है आपका? उस बोझ पर है, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में आने वाली जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो न्यू बिगनिंग्स हैं, उनकी तरफ आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी भी वो फियर्स हैं, वो अटैचमेंट्स हैं, वो डर बैठे हुए हैं, वो गिल्ट्स बैठे हुए हैं अभी भी, और वो फेलियर्स के डर, ठीक है, कि जो हुआ ऐसा, कि अब मैं बढ़ने के लिए रेडी हूँ या नहीं। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कीजिए। अगर कुछ लोग आपको जज करते हैं, कुछ लोग आपको कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से, या आपको कुछ भी बोलते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ आपको इस तरीके से ट्रीट करने के लिए बोला जा रहा है एक्वेरियस। ऐसे लोगों को आपको अपने ऑरा में ही एंट्री नहीं करने देनी है, ऐसे लोगों को आपको दूर से ही भगा देना है, ठीक है, कि आप उन जैसी नेगेटिव एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में एंट्री ही नहीं दे रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि बहुत से, मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको पॉइंट आउट करते हों, ठीक है, आपको आप ही के टैलेंट को लेकर के, या आप ही के, यस, आपके टैलेंट को लेकर के, आपको लेकर के बहुत बातें बनाते हैं, जजमेंट्स पास करते हैं। तो ऐसे लोगों की एनर्जीज़ को ना अपने पास आने ही मत दीजिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर वर्क कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितने आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितने आप इन नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, इन लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे ना, उतनी ही आप अपनी पावर में टैप इन करोगे, और उतनी ही आपकी लाइफ में यहाँ पर तरक्की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना है, आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करना है कि आपके लिए क्या चीज़ पहले है और क्या चीज़ बाद में है, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये एक डिवाइन की तरफ से लिखी हुई प्री प्लान्ड चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कुछ अलग नहीं हो रहा। कि आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, ऊपर आप साइनिंग करके आए हो कि मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो इन चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ना ही है। भले ही अब वो चीज़ें आपको या हम सभी को याद नहीं है, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन चैलेंजेस को ओवरकम करें। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस जगह तक अगर आप पहुँचे हैं, तो इट मींस आपको इतना तो कनेक्शन है कि हाँ, डिवाइन कुछ बता रहे हैं आपको, कुछ तो कनेक्शन है उनसे, कुछ तो चीज़ें रही हैं, राइट। तो आपको इसलिए यहाँ से गाइडेंस दी जा रही है, आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन के इस इशारे को समझो, अपनी कीमत को पहचानो। जब आप अपनी कीमत को पहचानोगे, जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर लोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स एंट्री कर रही हैं विद दिस सन कार्ड। एक न्यू बिगनिंग, एक रीबर्थ में आपकी लाइफ में होते हुए देख रही हूँ।
मे बी आप लोग किसी पास्ट में कोई रिलेशनशिप से आपका ब्रेकअप हुआ, या किसी पर्सन ने आपको छोड़ दिया, या आपने लूज कर दिया किसी पर्सन को अपनी लाइफ से, तो आपको बोला जा रहा है अब आगे बढ़ने का वक्त है। अपनी एनर्जीज को इस तरीके से लो मत करो, अपने आप को बर्डनड मत करो, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा ना, वो जो चीज़ें चली गई हैं ना, वो ही आपकी सारी ऊर्जा ले रही हैं। आप एक न्यू बिगनिंग कैसे कर पाओगे? आप न्यू बिगनिंग की तरफ देख ही नहीं रहे हो। आपको बोला जा रहा है दोबारा से कम बैक होने के लिए, कहाँ, अपनी पावर में कम बैक होने के लिए आपको बोला जा रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड भी यहाँ पर यही बोल रहा है, स्टार का कार्ड भी यही बोल रहा है, क्योंकि स्टार का कार्ड आपका खुद का कार्ड है एक्वेरियस, ये आप ही की पावर है। और ये वो हेटर्ड वाली पावर नहीं कह रही मैं कि हेट करने लग जाओ सभी से, ये एक बहुत ही लविंगली लविंग एनर्जीज है, बहुत ही हेल्पिंग एनर्जीज है, बहुत ही प्यारी कंपैशनेट एनर्जीज हैं ये एक्वेरियस आपकी, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है किसी भी चीज़ में, अगर जो भी आप लाइफ में, आपकी लाइफ में इस समय सिचुएशंस चल रही हैं, आपको होप नहीं खोना है, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहिए, ठीक है। अपनी प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं क्या होती हैं, कहते हैं ना कि प्रार्थनाओं में इतना बल होता है कि वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हटा सकती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रेयर्स ज़रूर कीजिए, खासकर रात के टाइम। मैं ऑलवेज बोलती हूँ रात को की हुई प्रेयर्स जो सोने से पहले की जाती है वो बहुत अहम होती है, तो रात को ज़रूर प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, ठीक है। सबके लिए कीजिए और अपने लिए भी कीजिए, सबसे पहले तो सबके लिए कीजिए, जिन्हें आप नहीं भी जानते हैं उन सभी के लिए कीजिए। सेल्फिश मत हो जाइए, सिर्फ अपने लिए मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला ना कि आपके पास, आप वो एक डिवाइन के प्योर बच्चे हो कि अगर आप अपने, आप किसी के लिए भी कुछ भी मांगते हो ना दिल से, सच्चे दिल से, वो ज़रूर पूरी होती है, ठीक है। तो उस जो गिफ्ट आपको नेचुरल मिला है ना, उसको यूज़ करो, क्योंकि वो वेस्ट नहीं होता हमारी लाइफ में, उसको यूज़ करना होता है। और जितना आप दूसरों के लिए एक हेल्पिंग एनर्जीज में रहोगे, एक हेल्पिंग हैंड बनोगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, वो आपकी लाइफ में, जिसे कहते हैं ना कि, और बरकतें लेकर के आएगा और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, ब्लॉक्ड मत करो। और यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जीज मिल रही है विद दिस कार्ड ऑल्सो कि आप में से ना कुछ लोग जो है एक्वेरियस कुंभ राशि, आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन आपने, जिस भी एक दुखद समय से आप निकले हैं, या जिस भी फेज को आपने जिया है अपनी लाइफ में, जिससे आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं, उसने आपकी हार्ट चक्रा को ना ब्लॉक्ड कर दिया है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे रूड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग खफा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही लोअर एनर्जीज में, मतलब आप अपनी अपनी एनर्जीज में हो ही नहीं। और डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, माय डियर अब ये वक्त आ गया है एक चेंज लाने का, अब ये वक्त आ गया अपनी पावर में टैप इन करने का, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने का और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने का। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, लवर्स का कार्ड है, सन का कार्ड है। जैसे ही आप इस बोझ को किनारे कर देते हो ना, इस बोझ को निकाल देते हो, इस लोस, ये जो भी ग्रजेस को लेकर के आप बढ़ रहे हो अपने अंदर, इस जिस ग्रीफ को लेकर के बढ़ रहे हो आप अपनी लाइफ के अंदर, जैसे ही आप उसे हील कर लेते हो, जैसे ही आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर लेते हो, वैसे ही आपकी लाइफ में जिन लोगों के लिए, यहाँ पर जो लोगों ने किसी पर्सन को खोया था, जो सिंगल है, जो किसी एक पार्टनर की वेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एक ट्रू पर्सन में आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। जो लोग यहाँ पर, इवन यहाँ पर मुझे बेबी बर्थ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और करियर में ग्रोथ बहुत दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग्स बहुत दिखाई दे रही है, कहने का मतलब यहाँ पर मुझे एक रीबर्थ की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आपके लिए पता है कि आपके लिए ना स्टार्स पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, सन एंड मून की एनर्जी से व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पर हमारे पास ही है। तो आपको बोला जा रहा है जिस तरीके से सन एंड मून यहाँ पर दोनों आए ना, ये भी दोनों इक्वली आना, ऊपर और नीचे देख रहे हैं आप, कि बैलेंस मेंटेन करना, अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज, अपनी फेमिनिन एनर्जीज में बैलेंस क्रिएट करना, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना, अपने अंदर इंटरनली, अपने मन के अंदर, अपनी सोल में, वहाँ अंदर बैलेंस क्रिएट करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। दोबारा से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी पावर में टैप इन करने के लिए, तभी आप अपनी लाइफ में ये एक न्यू बिगनिंग कर पाओगे, तभी एक ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ पाएगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक्वेरियस।
और एक्वेरियस जिस तरीके से आपकी राशि भी है कुंभ, आपके लिए एमेथिस्ट वियर करना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एमेथिस्ट जो है स्टोन है सेमी प्रिशियस, उसे आप वियर कर सकते हो लाइक दिस, ओके, या फिर किसी रिंग के रूप में आप उसे पहन सकते हो, लॉकेट के शेप में लॉकेट पहन सकते हो उसका, या फिर इसी तरीके से कोई रो क्रिस्टल है आप उसको अपने साथ रख सकते हो, ठीक है। ये भी एक एमेथिस्ट ही है, रो क्रिस्टल्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं माय डियर एक्वेरियस के लिए, और डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं इस समय एक्वेरियस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल, बहुत ही प्योर हार्ट एक्वेरियस, ब्यूटीफुल एनर्जीज। फूल लीजिए, आ गया, वहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया था, यहाँ पे तो आ ही गया है फूल। और पार्टिसिपेशन, यस, जो मैं कह ही रही हूँ, पार्टिसिपेट कीजिए, एंड एडवेंचर, वाओ ब्यूटीफुल, आगे बढ़ो अपनी खुशियों की तरफ, अपने ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ो माय डियर, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत किसी चीज़ के बारे में, डिवाइन पर भरोसा करो, और एक मैं कहूँगी यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेने की यहाँ पर ज़रूरत है आपको, ठीक है। एंड यस, जो मैंने आपको बोला ना विद द पार्टिसिपेशन, यहाँ पर जो मैं आपको बोल रही हूँ कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचना है एक्वेरियस, जो आपकी पावर है ना उसे समझो, जो आपके गिफ्ट्स हैं उसे समझो, वो किस मकसद से आपको दिए गए हैं। अगर आप उसे गलत तरीके से यूज़ करोगे तो वो काम नहीं आएंगे, अगर आप उसे सही ढंग से यूज़ करोगे तो वो बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। तो जो प्रार्थनाएं आप अपने लिए ही कर रहे हो ना डिवाइन से, आप दूसरों के लिए, अननोन लोगों के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी पर रह रहे सभी जीवों के लिए कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी लगेंगी और उससे आपकी भी ब्लेसिंग्स डबल ट्रिपल होंगी, राइट। तो पार्टिसिपेट कीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने गिफ्ट्स को यूज़ कीजिए, अपनी पावर में टैप इन कीजिए, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। और अपनी एनर्जीज को पूरी तरीके से डाइवर्ट कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ फोकस लगाना स्टार्ट कर दीजिए, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। बैक टू होम की एनर्जीज है विद दिस कार्ड ऑल्सो, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है हालांकि, लेकिन ये बैक टू होम की बात कर रहा है कि घर वापस आना, जैसे कोई बैकपैक करके दोबारा से रिटर्न हो रहा है, राइट। तो किस तरफ रिटर्न होना है आपको, अपनी पावर में बैक करना है, ठीक है। अगर आपने कहीं ना कहीं ये जो भी नेगेटिव फेज रहा है आपका, इस वजह से ईश्वर पर से जो आपका, अगर आप में से कुछ लोगों का वो विश्वास खोया है, तो दोबारा से उस विश्वास को लेकर के आना है, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ओके। और आपको इस वक्त यही सुनने की ज़रूरत है, जैसे ही आप अपनी पावर में टैप इन करोगे ना, आपकी विशेस फुलफिल होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, विश फुलफिलमेंट है भाई, स्टार का कार्ड है, होप मत खो, होप खो दी है तो दोबारा से बैक करो अपने आप को, बैक इन द सेंस अपनी पावर में, ओके, रिचार्ज करो, सॉरी, चार्ज करो अपनी बैटरीज को माय डियर एक्वेरियस, यहाँ पर भोले बाबा आपको यही बोल रहे हैं, ब्यूटिफुल एनर्जीज, वाओ। तो ये एक्वेरियस कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको यहाँ से गाइडेंस मिली हो, मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं तो उनको भी यहाँ से गाइडेंस मिल पाए और वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ ला पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।